वेलकम बैक टू सुर्ख क्षेत्र सुरों का मैदान, जहां टकराएंगे इंडिया पाकिस्तान। टीम इंडिया का स्कोर 120 है, टीम पाकिस्तान का 90, यानी टीम इंडिया 30 पॉइंट से लीड कर रही है। तो मैं यहां पर आपको याद दिला दूं कि आपके पास वो फाइनलिस्ट चेयर में सारा बैठी हुई है, जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इमरान, क्या आप आज सारा को मैदान में उतारना चाहेंगे? नहीं, मैं सारा को अभी जहमत नहीं देना चाहूंगा स्टेज पे आने के लिए। बुलाना चाहूंगा इमरान अली अख्तर को। मैं इमरान अली अख्तर, पाकिस्तानी जांबाज। मुझे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब म्यूजिक से अपने मुल्क की आवाज़ बुलंद करने का मौका मिला है, और मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपने मुल्क का नाम जरूर रोशन करूंगा। पाकिस्तान के लिए कैप्टन ने बहुत अप्रिशिएट किया। कैप्टन हिमेश जी, लास्ट परफॉर्मेंस था, इनकी आवाज़ तो हमेशा मुझे पसंद ही है। थैंक यू, हाई एनर्जी परफॉर्मेंस, ज्यूरी को डिसाइड करने देते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे एक लाइव सिंगर की क्वालिटी होती है बिल्कुल वैसे ही इसने स्टेज परफॉर्मेंस दिए। लग रहा था ऐसे कि जैसे हजारों लोग इसके सामने जो है वो खड़े हुए हैं और इसको सुन रहे हैं, इसका गाना सुन रहे हैं, और ऑडियंस इसको एंजॉय कर रही है जैसे कि आप सब लोगों ने एंजॉय किया। हाई वोल्टेज। पर जब आप शुरू कर रहे थे ना, जितनी दफा आप शुरू कर रहे थे तो सुर से थोड़ा हट जा रहे थे, पर एनर्जी लेवल वॉज वेरी गुड। बहुत ही अच्छा, और इन्होंने जोश में गाया, उसके जो है उस जज्बे को पूरा किया इन्होंने, और बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू मैम। 10 points। मुझे भी सारा ये था, लेकिन उठते समय हमेशा सुर में गए थे। पॉइंट्स रूना जी, आप पहले देना चाहेंगी या आशा जी? 10 points! 10 points! Wow! 30 points! पहली बार सुर क्षेत्र पर एक टाई हो गया है, दोनों टीम्स का स्कोर है 120। Thank you.
आज इस फाइनलिस्ट चेयर का कोई दावेदार नहीं होगा. थैंक यू सो मच इमरान, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था. गुड लक फॉर योर नेक्स्ट परफॉर्मेंस. इंडिया अपना हिस्सा बराबर करेगा या पाकिस्तान 2-0 की लीड लेगा? दोनों देश बस इसी सवाल का जवाब चाहते हैं. फिलहाल पाकिस्तान के नबील और इंडिया के दिलजान दावेदारी की दौड़ में है. कौन चुना जाएगा सेकंड चेयर का फाइनलिस्ट? तब तक अपने देश के लिए दुआ मांगना मत भूलिएगा. गुड नाइट, गॉड ब्लेस, शब खैर.